अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लाइफ स्पैन से है, रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड वाइस वर्सा। सेकेंड ऑप्शन है, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। थर्ड ऑप्शन है, ऑर्गेनिज्म में हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल हंड्रेड ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टाइम पीरियड है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का, उसको क्या बोलेंगे हम, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। ठीक है, और इसकी फोर स्टेजेस भी थी, जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग और सेनेसेंस एंड फोर्थ डेथ। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इनमें से किसका जो है वो लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा लाइफ स्पैन है। ठीक है, टोर्टोइस का, पैरट का, ऑप्शन थर्ड है बैनियन ट्री का, या फोर्थ ऑप्शन एलिफेंट का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, बैनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्लैंक इज अ लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट असेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ऑप्शन वन है ग्रोथ, ऑप्शन टू है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन थर्ड है रेस्पिरेशन, ऑप्शन फोर्थ है न्यूट्रिशन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो किसी एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं भी हो सकता है, पर एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं भी हो सकती है, पर एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि मतलब अगर एक स्पीसीज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसलिए एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फोर है, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक। ऑप्शन टू, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ऑप्शन थ्री, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डेथ क्यों नहीं होती नेचुरल। ठीक है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंटल बॉडी होगी वही जो है ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, इसी वजह से वो सेल इमोर्टल हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को बताओ, नाम बताओ जिसकी वजह से क्या है, स्पीसीज की जो है वो निरंतरता बनी हुई है अर्थ सरफेस पे। तो ऑप्शन वन है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन टू है डाइजेशन, ऑप्शन थ्री है रेस्पिरेशन और ऑप्शन फोर है रेप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अडेप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन वन है द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन टू है मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ऑप्शन थ्री है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। ठीक है, किसी कोई ऑर्गेनिज्म कौन सा मेथड रिप्रोडक्शन का चूज करेगा, एसेक्सुअल वाला या सेक्सुअल वाला, ये उसके हैबिटेट, उसकी फिजियोलॉजी और उसके जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेम काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।